गाइस डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस कैसे करना है पूरा ए टू जे ट्यूटोरियल हम लेके आए हैं। ये वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहो तभी आपको समझ आएगा गाइस। सो कैसे हो भाई लोग, सब बढ़िया? फिर से बिजनेस चैलेंज में आप नया वीडियो लेके हम आ गए गाइस। आप लोग को डिटर्जेंट पाउडर के बारे में पूरा बताएंगे गाइस। आप लोग होलसेल करना हो या रिटेल या आपको मैन्युफैक्चरिंग करना हो, वीडियो फास्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहो, पूरा ए टू जेड बताएंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा ये बिजनेस कैसे करना है गाइस, कितना लागत खर्चा पड़ेगा आपको, मशीन का दाम और रॉ मटेरियल्स की कीमत पूरा ए टू जेड बताएंगे गाइस। गाइस आप लोग ये होलसेल में ख़रीदना चाहते हो तो गाइस ये होलसेल में आपको 20 रुपया केजी से लेके 35 रुपया केजी तक आपको आराम से मिल जाएगा, और लोकल मार्केट में ये सेल होता है 35 से लेके आपको 40 के अंदर आराम से ये सेल हो जाएगा गाइस। गाइस जो भाई लोग सोच रहे हो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे गाइस, तो ये मशीन परचेस करने के लिए आपको मिनिमम कितना खर्चा करना पड़ेगा गाइस? ये मशीन आपको 6 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसमें आपको 4 मशीन आएगा गाइस। और आप लोग सोच रहे हो ये मशीन आपको कहाँ से परचेस करना पड़ेगा, कहाँ से आपको मिलेगा गाइस? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम एक वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, और बार्गेनिंग करोगे तो उससे भी कम हो सकता है, रिसर्च करोगे तो उससे भी कम हो सकता है गाइस। और आप लोग रिटेल करना चाहते हो तो गाइस ये मार्केट में बहुत ही अवेलेबल और डेली यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, आप लोग आराम से ये बिज़नेस कर सकते हो गाइस। गाइस ये बिज़नेस करने के लिए आपको सटीक समय और टाइम आपको निकालना पड़ेगा गाइस। आपका बिज़नेस है, आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या चीज़ का बिज़नेस करना है गाइस। मगर मेरा नॉलेज जो है तो डिटर्जेंट पाउडर का बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल, हाई प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है, और मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, और होलसेल करने के लिए आप 20,000 का माल लेके आराम से 500 केजी या 1 टन माल आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा गाइस। ये माल लेके आप लोकल मार्केट में या दुकान जाके आप आराम से सेल कर सकते हो। पाउच पैकेट के लिए मुझे कॉल कर सकते हो, डिटर्जेंट पाउच हम दे देंगे।